जाने पंडित जी को क्या सूझी, लड़की के लिए किताब ले आए, पढ़ेगी क्या? इतनी पढ़ाकू होती ना काशी तो फेल नहीं होती, सोचने वाली बात है। अम्मा मास्टर जी की बात ना निराली है। अब किताब लाए हैं तो कुछ सोच के ही लाए होंगे। अब सोचिए जब उन्होंने हम जैसे निकट्टू को बीए पास करवा दिया तो उसे भी करवा देंगे। अम्मा ध्यान से ना, तेरी अम्मा इतनी बुढ़ी नहीं हुई। बेबी बेसमय की चाय किसके लिए बन रही है भाई? पंडित जी की रिश्तेदार है ना पूर्वी दीदी, उनकी कोनो फ्रेंड आई है, वही मंगाई है। फ्रेंड? अच्छा तू दे मुझे, तू ट्रे मुझे दे, तू यही रुक, बैंगन काट, मैं आके छौका लगाती हूँ। कौन हो तुम? नाम क्या है? डॉली। माँ बाप कौन है तुम्हारे? यहाँ किसके आई हो? पूर्वी से मिलने आई हो? क्यों? सहेली है तुम्हारी? साथ पढ़ते हो तुम लोग? तो इसकी तरह तुम भी फेल होती होगी? पास होती हो? अच्छा कितनी बार पास होती हो? हर साल पास होती हो या चार पांच साल में एक बार? हाँ कौन सी डिवीजन आती थी? फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट अंकल जी। फर्स्ट? अच्छा मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक हो? पढ़ाई में ठीक ठाक हो तो इसके साथ क्यों घूमती हो तुम? जानती हो ना ये फेल होती है। हाँ अच्छी समझदार लड़कियों के साथ अगर दोस्ती होती तो तुम्हें मालूम है तुम्हें फर्स्ट डिवीजन की जगह तुम्हें डिस्टिंक्शन मिलता, मेरिट पे तुम्हारा नाम आता। हाँ या ना? हाँ हाँ। जोर से बोलो, सुना नहीं। हाँ। तो चिल्ला क्यों रही हो भाई? हम बहरे नहीं है या फिर फर्स्ट डिवीजन आ गया तो घमंड आ गया? मतलब फर्स्ट डिवीजन आ गया तो बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। बस कीजिए पंडित जी, आप डरा रहे हैं बच्चों को, हैं? इंटरव्यू थोड़ी ले रहे हैं आप, लीजिए चाय पीजिए। ये अपनी फ्रेंड से मिलने आई है, ना कि आपके जल निगम में दरखास्त दे रहे। लो पियो। क्या नाम बताया बेटा तुमने अपना? डॉली आंटी जी। अच्छा डॉली, सुनिए हम बूढ़े लोगों की क्या बात समझेंगे ये लोग। अच्छा हुआ तुम आ गई, अपने फ्रेंड को समझाओ या आत्महत्या करना बहुत गलत बात है ना? इम्तिहान तो कभी भी दे सकती है। अरे हाँ कहो इसे ये किताब पढ़े, अंकल लेके आए हैं उसके लिए। आंटी जी हम सोच रहे थे हम डॉली के साथ बाहर घूमने जाए क्या थोड़ी देर? हाँ जाओ। क्यों क्या जरूरत है? हॉस्टल में भी घूमती फिरती रहती होगी तब फेल हो गई, और फेल हो गई तो हो गई। अब अगर अगले साल पास होना है तो आज से ही बल्कि अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दो, घूमना फिरना बंद। अरे भाई दिमाग कितना भी फिसड्डी हो लेकिन अगर रोज सुबह 4 बजे उठकर रट्टा मारेगी तो साल भर में कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा। रहने दीजिए, जाने दीजिए ना उन्हें, जब हर थोड़ा जाएंगे तो टहलेंगे तो मन बहल जाएगा। जाओ बेटा जाओ, पर सुनो शाम होने तक आ जाना वापस। हाँ जी आंटी, पक्का आ जाएंगे। जाओ जाओ बेटे जाओ, बिगाड़ो और बिगाड़ो इन्हें, जैसे दीपा और आलोक को बिगाड़ा था, सबको बिगाड़ो। ओफो आपकी शिकायत खत्म ही नहीं होती हमसे। ये आलोक और दीपा के जमाने के बच्चे नहीं है कि आपकी धौंस चले उन पे? आप रोकेंगे तो रुकेंगे, बताइए। अरे काशी कहाँ मर गया?
है काशी? हमने उसे अपना टाइपराइटर लाने के लिए कहा था। पता नहीं यार अंकल कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमने कहा था कि अंकल जी ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता। अब हमने सब संभाल लिया है, जल्दी चलो। हमसे तो कहा कि पंडित जी की रिश्तेदार है, लेकिन ये अंकल जी काहे कह रही है पंडित जी को पूर्वी दीदी? ऊपर से खुदकुशी करने की कोशिश, बताओ। अरे बनारस में फ्रेंड कहाँ से आ गई? चक्कर कहाँ है काशी भैया? सावन के अंधे को ना हर चीज हरा हरा नजर आता है, खुद चक्कर गिनी की तरह घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर, इसीलिए हर बात में तुम्हें चक्कर ही दिखते हैं। काशी जी, मास्टर जी, टाइपराइटर ले आया? जी सब रेडी है। स्याही चेक कर ली? जी जी मास्टर जी। अम्मा तुम्हारे राज में हमें चाय का प्याला भी नसीब नहीं है। बेबी ला चाय ले आ इसके लिए, और हाँ मटरी भी लेके आना। अच्छा सुनो, अरे राम राम। जी मास्टर जी। टाइप तो हम कर लेंगे, तुम बस पढ़ते जाओ। ठीक है ठीक है। पंडित जी आप भी ना, बाबा आदम के जमाने की टाइपराइटर से क्यों टाइप कर रहे हैं? आपका बेटा लाया था ना आपके लिए लैपटॉप, पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है। बेकार का हो रहा है? उसी से तो तुम अपने वीडियो कॉल करती हो बेटे बेटी को, और वैसे भी हमें तो ये टाइपराइटर ही पसंद है, लैपटॉप वैपटॉप हमारे बस का नहीं है। हाँ पढ़ो। पर पढ़ना क्या है? हम भी अजीब प्राणी हैं। भूल जाते हैं। अरे भाई वो मिट्ठू से एक एप्लीकेशन हमने लिखवाई थी, उसी को टाइप करना है। अच्छा कहाँ रखी थी? हाँ ये रहे, इसे पढ़ो। सेवा में सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में गाय रात गाय, अबे गाय रात क्या होता है? मतलब गई रात होगा, देखने दिया मैं करते हैं। ये पूर्वी की फोटो यहाँ कहाँ से आ गई? पूर्वी? क्या नाम है तुम्हारा? जी पूर्वी। ये देखो, ये हैं हमारे लल्ला, हमारे बेटे, हमारे घर के चिराग। अरे भाई इनकी हिम्मत देखो, अरे मोटरसाइकिल खोकर आ गए, घुमा के आ गए, और मुंह उठा के बेशर्मों की तरह हमारे सामने खड़े हैं। लंबाई देखो, आसमान छू रही है, लेकिन अक्ल ढेले भर की नहीं है। अरे मन तो कर चाटा दे तुम्हारे खींच के। अरे अब कुछ बोलोगे? कहाँ घुमाई है? अरे भाई हम कहते हैं मोटरसाइकिल कोई खिलौना नहीं है, जो जमीन निकल गई आसमान खा गया। अबे दही जमा के बैठे हो क्या? अरे यार बाबू हद है तुम्हारी लापरवाही की भी। बाप का पैसा है तो लुटाओ जितना उठा सकते हो, कोई पूछने वाला तो है नहीं, अम्मा बैठी है ना गोद में लेकर, बचा लेगी। भाई मैं तो कहता हूं भगवान किसी को लाख तकलीफ दे दे, लेकिन ऐसी निकम्मी और नालायक औलाद किसी को ना दे। बेशरम। अरे सेठ जी दुकान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अबे जैनून जा रहे, चलो तुम्हें फेंका दे वहाँ पे। जानते नहीं हो आप ज्यादा हमारे मोटरसाइकिल घुमा के बैठे हैं, इसलिए थाने जा रहे हैं रपट लिखवाने, और नहीं होगा तो कमिश्नर साहब के यहाँ भी जाना पड़ेगा। अबे मन तो कर चोटे चाटे मारे तुम्हारे, ये तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो तुम्हारे बाप के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, जो ये छाती चौड़ी करके घूमते फिरते शहर में। और बेटा ये याद रखना तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है, औलाद के नाम पे कलंक हो तुम नालायक। टोडू कोल्ड ड्रिंक लेके आ। टाइगर गया, जाते जाते हमारा दिमाग भी गर्म कर गया।
हेलो यार, तुम यहाँ कैसे आ गई यार? हम यहाँ कैसे आ गए? जो अपने पापा को टाइगर बुलाता हो उसके एक डांट से इतना घबरा जाए? ऐसे डरपोक से उम्मीद ले बैठे हैं हम डॉली? ते बुद्धू है ना हम डॉली? बुद्धू नहीं हो, पगलेट हो, एकदम पगलेट। यार क्यों आ गई तुम यहाँ पे? पापा ने देख लिया तो? अरे तो देखने दो, तुम्हारी तो हिम्मत है नहीं कुछ बोलने की, तो हम भी बोल के दिखाएंगे ना अब। ये भी सही, इस बार तो ना फैसला होके ही रहेगा। ए रोली पोली तुम चुप रहो यार, भड़काती कह रही थी भैंसे। अरे अच्छा, खुद कुछ करने होता है नहीं तो डॉली को ब्लेम करते हो तुम? बाबू बहुत हो गया है। मैं पागल हो गई हूँ यार, यार समझाए तो थे हम तुम्हें। क्या समझाया था? झूठ बोलने को कहा था ना, तो बोल दिए। वाराणसी जनपद के सभी पुलिस बीट्स को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंह वल्द महेंद्र सिंह, जो गोरखपुर के रहने वाली है, अपने घर से लापता है और भागकर वाराणसी आ गई। हुलिया, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 2 इंच, बाल घुंघराले। ए कहां जा? ए लड़के! तने कुछ तो बता दो देवी माता, कौन हो? आत्महत्या जैसा पाप काहे कर रही थी? पुलिस में दे देते? नहीं, पुलिस में नहीं। पूर्वी सिंह घर से अपनी सगाई के फंक्शन से भागी है। हायरा, बेटा क्या बात है, जब ठीक तो है ना? साथ में 5 लाख के गहने और शादी का जोड़ा भी ले गई। ओ, ये तो कांड हो गया। ये लड़की घर से भागी हुई है, अपने गहने जेवर सब कपड़े वपड़े लेके भागी है सगाई से, मास्टर जी, और आपने इसको घर पे बिठा दिया। कब से तुम गीले कपड़े में खड़ी हो, निकाल लो अपने कपड़े। आंटी जी, हम शायद चाबी भूल आए हैं घाट पे। हम तो कह रहे थे आपसे कि परोपकार के चक्कर में मत पड़ो, पर आप तो जिद लेकर बैठ गए। अरे हम तो कह रहे थे निकाल दो निकाल दो निकाल दो, लेकिन तुम्हारी अम्मा, इनका खटराक शुरू हो गया। नहीं, लड़कियों का मन बड़ा कोमल होता है, आपको समझते तो नहीं, पर बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या। अब भुगतो। अरे हमें सपना आ रहा था कि वो फेल फेल कर झूठ बोलेगी। वैसे आप ही लेके आए पंडित जी, हम तो कल ही कह रहे थे कि जाने दो। हाँ तो रोका क्यों था भाई, जाने क्यों नहीं दिया? आंसू क्यों बहने लगी थी? ममता क्यों उमड़ आई थी तुम्हारी? मेरा ही दोष, हमेशा तो मेरा ही दोष होता है, हर चीज हरूश बनाते, काशी तुम्हें, ये हमारा दोष है क्या? हमारा दोष है क्या? हम बस करेंगे प्लीज, आई बैग, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, अब तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि आगे करना क्या है। आज के आज तुम हमसे शादी करोगे, तुम्हें समझ आ रहा है? ये डॉली ठीक कहती है, अब तेरी किस बात की? क्या लाया छोटू? अरे कोल्ड ड्रिंक है, इधर देख। हमारी शॉप पे तो मैडम यही है, और नहीं नहीं है। कैसे नहीं है? हाँ वो देख रहे हैं आप, कितने अच्छे जो सूट के कपड़े पड़े हैं वहाँ पे, तुम्हें बस ठीक से आता नहीं है बेचना। अरे आप ठीक से दिखाई नहीं रहे हमको। कस्टमर आया हुआ है क्या? काय तुम्हारे ओनर, बात कराइए हमसे। अरे क्या हुआ अंकल जी? देखिए ना, ये ठीक से दिखाई नहीं रहा है, ऐसे बिहेव करते आप कस्टमर्स के साथ। अगर आपको माल नहीं बेचना है ना तो ठीक है, हम क्यों और चले जाएंगे, डॉली चलो। अरे अरे नहीं नहीं बेटी, आप माल क्यों नहीं बेचना? माल तो बेचना है, आखिर ये इतनी बड़ी दुकान हम लेकर बैठे हैं किस लिए? कस्टमर तो हमारे लिए भगवान समान है। क्यों बे नालायक, ये क्या कह रही है? अरे तू तो ठीक से माल क्यों नहीं दिखा रहा है? शर्म। अरे बिटिया आप लोग आओ बैठो। थैंक यू। आप बैठिए। क्यों बे दिखाएगा ना, चल लग जा काम पे। दिखाइए दिखाइए। हम तो कहते हैं इस बार हमें खुश कर दीजिए, कुछ करके दिखाइए। अरे आप डर रहे हैं क्या? आप डरिए मत, हमने कुछ ऐसा वैसा भी नहीं मांगा है आपसे। अच्छा एक काम करिए, वो वाला लाल वाला दुपट्टा दिखाइए। हाँ
दिखाइए, ये हमारी शादी के लिए कैसा लगेगा? चलिए हमें और के दिखाइए, दिखाइए ना मैडम, आप खुद ही ओढ़ लीजिए ना अंकल जी। अरे बेटा, जब वो कह रहे हैं उड़ा के दिखा तो उड़ा के क्यों नहीं दिखाते हो? इसमें मुश्किल क्या है, हम दिखाएं उड़ा के। लेकिन पापा ही। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, खुद ही उड़ के दिखा दो। हाँ उड़ो। अबे दिखाते हो या जूता उठाएं? अंकल जी हमें लगता है जूता उठा ही लीजिए। जी मास्टर जी, उसमें देख अच्छी तरह से, उसके बारे में उसके माँ बाप का पता नंबर कुछ एड्रेस कुछ तो होगा ना। अम्मा एक मिनट। नहीं मास्टर जी, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। लगता है ये पुलिस विभाग की अंदरूनी चिट्ठी है, तभी इस पे कोई नंबर नहीं है। मास्टर जी अब तो एक ही रास्ता है, पुलिस में खबर दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, पुलिस में तो जानते है ना कैसे कैसे पूछताछ करती है पुलिस। फिर वो फूल सी लड़की है ना। हाँ, उस फूल सी बच्ची की हरकतें देख ली तुमने? ये मत भूलो कुसुम कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं, और अगर हथेली में गड़ जाए ना तो नासूर बन जाते हैं। अब चाहे आप जो भी कहें, उस लड़की को हम पुलिस में नहीं दे सकते, आप तो ये तय मानिए। हाँ तुमने कह दिया और हो गया। तुम्हें क्या लगता है दुश्मन है उस लड़की के? तभी तो उस दिन उसे घर लेकर आए थे कि पता नहीं पुलिस वाले थाने में कैसे बर्ताव करेंगे उसके साथ। देख लिया क्या सिला मिला, पड़ गई ना आफत। ठीक है आप कुछ भी कहो, आफत तो आफत सही बस। पर अम्मा हम क्या करेंगे, एक चोर लड़की को घर में रखेंगे? पुलिस वालों की रेड वेट पड़ गई तो? काशी हम ये सोचे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बालिग लड़की को घर वापस लाने के लिए चोरी का बहाना किया होगा उसके घर वालों ने। कम से कम उससे पुलिस तो उसे खोज सके, और पता चला कि उसके पास गहना ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ हो तो सकता है, पर क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? सूटकेस चेक करें। कैसे चेक करोगे बेटा, सूटकेस की चाबी तो महारानी ने खो दी है ना। हाँ तो मास्टर जी बनारस में चाबी बनाने वालों की कमी है क्या? हाँ चाबी वाले को बुला, कम से कम कुछ पता तो चल जाएगा ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम अभी गए और अभी आए। देख रही हो आजकल की लड़कियों को, पहले गलती करते हैं और फिर साफ झूठ बोल जाते हैं। हिम्मत तो देखो इनकी। ये देखो बिटिया कितनी अच्छी कारीगरी है, बनारस का सबसे जेन्युइन काम है सोने की तार में। बेटा लगता है आप शादी की खरीदारी कर रहे हो। अच्छा आपको बता दें बिटिया, हमारी शॉप में ना बनारस का सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल आता है, लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन, और सबसे बड़ी बात बिटिया दुल्हन के लिए डिस्काउंट भी है। अच्छा अरे डिस्काउंट की क्या बात है अंकल जी, अब अपनी शादी में हम रुपयों का मुंह थोड़ी देखेंगे। ये लीजिए ना, ये भी तो आप ही के है, है ना? बाबू के होते हुए पैसों की टेंशन तो लो ना। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? टाइगर की शॉप से उठाए ना तुमने? तुम आम खाओ ना, हम खिला रहे हैं। हाँ बिटिया बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। इसमें आर्य समाज मंदिर का एड्रेस है, चुपचाप 7 बजे वहां पहुंच जाना शाम को। तुम बाबू हमने सब अरेंजमेंट कर दिए, तुम्हें वरमाला भी नहीं लानी होगी। और हाँ तुम इस बार नहीं आए ना तो हम कह रहे हैं अगली बार ना हम पेट्रोल लेके आएंगे और यही तुम्हारे टाइगर की शॉप के आगे आग लगा देंगे, फिर देख लेना तुम। हाँ फिर देखना। चाबी बन गई है मास्टर जी, खोल दें। पता नहीं किसी दूसरे का बैग खोलना ठीक रहेगा क्या? मास्टर जी जब वो लड़की हमसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, हम तो केवल जांच पड़ताल ही कर रहे हैं।
एक काम कर डॉली, तू जल्दी से मंदिर पहुंच, हम हमारा बैग लेके आते हैं। हाँ क्या है ये? घर से भागी हो? ये सब गहने चुरा कर? अंकल जी हम, आंटी हम एक्चुअली, बात मत करो हमसे। हम सब समझा सकते, अब एक बार हमारी बात सुन लो। क्या सुने? एक और झूठ? हमें तो विश्वास ही नहीं होता। हमने तुम्हें अपने घर में रखा बिना तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने हुए। तुम्हारी आंटी जी ने तुम्हें इतनी ममता दी, ये सोचकर कि बच्ची फेल हो गई है, इसे कुछ दिन का सहारा चाहिए, और तुम ना। हमें मत देखो ऐसे पूर्वी,